बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था कौन सी चीज डब्बे में, बड़े तेज हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स बनाएंगे, देन क्या करेंगे उसके अंदर एक और बॉक्स क्या करेंगे बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा, यानी आप लोग कहते हैं डब्बे में डब्बा। चलें जी, अब हम इसके कॉर्नर्स को मिलाएंगे, पहले इसके कॉर्नर्स हाईलाइट कर लेंगे ताकि जब हम इनको मिलाएं हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बॉक्स हमने हाईलाइट कर दिया, अब आमने सामने वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब देखिए कैसे, ये इसके आमने सामने आता है, मिल गया, ये इसके आमने सामने आता है, मिल गया, ये इसके आमने सामने आता है, मिल गया, इसी तरह से ये इसके आमने सामने आता है, मिल गया। तो इस तरह से ये एक यूनिट सेल बना, क्या बना, ये यूनिट सेल, दैट इज अ यूनिट सेल के यूनिट सेल। अब मैंने जितनी लेंथ बनाई है, अब सुने लेंथ क्या है, यहां पे देखिएगा लेंथ क्या है, एक लेंथ, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, जितनी लेंथ बनाई है सबको हाफ करना है। अब सबसे हाफ से मुराद ये नहीं कि काट दो, नहीं, अब हाफ किस तरह से, देखिए इस लेंथ का हाफ बनता है यहां पे, इस लेंथ का हाफ बनता है यहां पे, सेम, इस लेंथ का हाफ बनता है यहां पे, इसका हाफ यहां पे, इसका हाफ यहां पे, हर एक लेंथ का आपने क्या लेना है, हाफ, हर एक लेंथ का आपने हाफ लेना है, जितनी भी लेंथ बनी सबका क्या लेना है, आपने हाफ लेना है, यानी आधे पॉइंट्स के ऊपर उसको हाईलाइट करना है। जितनी भी लेंथ बनी हर एक लेंथ का हाफ पॉइंट क्या करना है, हाईलाइट करना है, हर एक लेंथ का हाफ पॉइंट हाईलाइट करना है। और ध्यान में रखना, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी क्रिस्टल्स के बारे में आता है तो थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना मस्त होगा, यानी इनके नंबर होते हैं। अब देखिए हाफ लेंथ ले ली, अब मैं इन हाफ को मिला रहा हूं, समझेंगे, पहले मैं अपर हाफ को मिलाऊंगा, फिर साइड राइट साइड, फिर बॉटम साइड, फिर लेफ्ट साइड को मिलाऊंगा। अब सुने, हाफ लेंथ को मिलते हुए देखिएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेंगे, शाबाश। यानी पहले अपर वाले हाफ लेंथ को हमने आपस में मिला लिया, अपर वाले हाफ लेंथ को पहले हमने क्या किया, आपस में मिला लिया, ठीक है। अब हम साइड वाले हाफ लेंथ को समझेंगे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ मिल जाएगा, ये साइड हाफ लेंथ मिल गए, क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बॉटम वाले हाफ लेंथ को देखिए, ये और ये बेचारे बिछड़े हुए मिल गए, यानी पॉइंट मिल गए, अब क्या बनेंगे, यानी ये भी हाफ लेंथ क्या हुई, बन गई। अब एक हाफ लेंथ हमारे पास बची, पहले मैंने टॉप साइड किया, फिर मैंने क्या किया, यानी राइट साइड, फिर बॉटम साइड, अब कौन सी साइड कर रहा हूं, दैट इज द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड को करते हैं, दिस इज द हाफ लेंथ मीटिंग पॉइंट, हमने हाफ लेंथ को मिला दिया, हमारे पास एक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया, यहां तक क्लियर। पहले हमने क्या किया, एक डब्बे में दूसरा डब्बा बनाया, डब्बे में डब्बा बनाने के बाद उनके कॉर्नर पॉइंट्स को क्या किया, आपस में मिला दिया, जब उनके कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, देन क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में मिलाने से क्या हुआ, यानी एक बॉक्स इस तरह का बना, फिर हमने हाफ लेंथ लेके उसके बॉक्स, अब हमारे पास दो लेंथ बन रही है, समझेंगे, एक की एक, दूसरी की दो, यानी टोटल चार लाइनें और दो लेंथ। अब सुने कैसे, पहले आप इसको देखिएगा किस तरह से, अब पहला हाफ देखें, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, सेम, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, समझेंगे। इधर पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को इससे मिला रहा हूं, मिला लीजिएगा, फिर मैं इससे नीचे वाले पॉइंट को उससे साथ वाले में मिला रहा हूं, अब मैंने एक पॉइंट मिला लिया, इज इट क्लियर। पहले मैंने क्या किया, डब्बे में डब्बा बंद किया, फिर उसके बाद चार कॉर्नर थे, अपर के चार लोअर के, हमने इनको मिलाया, एक थ्री डी, यानी क्या बना, यूनिट सेल बना, उस यूनिट सेल की हमने हर एक की क्या की,
हाफ लेंथ की। हाफ लेंथ करने के बाद हमने क्या किया, उन लेंथ को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। फिर मैंने क्या किया, जो न्यू लेंथ बनी उनको मिलाया। पहले मैंने इन लेंथ को मिलाया है, दोबारा देखें, मैंने इस लेंथ को इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाया। अब एक और लेंथ बची है रेड वाली, इधर देखिएगा, एक ये पॉइंट, एक ये और एक ये। अब मैं इसको पहले इसके साथ मिला रहा हूं, क्लियर। अब फिर इसको मैं इसके साथ मिला रहा हूं, इसको मिलाएंगे, शाबाश, ये मैंने मिला दिया, मिल गए। पहले मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया, उनके कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाया, देन मैंने क्या किया, हाफ लेंथ ली, उन हाफ लेंथ को मिलाया, फिर साइड हाफ लेंथ को और अपर हाफ लेंथ को मैंने क्या किया, मिला दिया। इज इट क्लियर? अब इधर समझेंगे, एक पॉइंट ये बनता है और एक पॉइंट ये बनता है, सेम, एक पॉइंट ये बनता है और एक पॉइंट ये बनता है, इन पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा। मिला दिया, एक इन दो के दरमियान वाला और एक इन दो के दरमियान वाला, ठीक है, इनको मिला दिया। आखिरी बात, आखिरी पॉइंट, अब समझे, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये, इनको आपस में मिला देंगे, दैट इज अ थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट बने इन दो लेंथ के, ये जो दरमियान वाले इस के बन रहे, दैट इज अ थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर। एक दफा दो दफा घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी समझ लें। अब मैंने जितना बनाना था बना दिया, आई थिंक नियर अबाउट आप लोग भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये थ्री डिमेंशनल, अब याद देखें, यानी थ्री डिमेंशनल हमें कैसे पता लगा, कब पता लगेगा, बन गया, अपर भी तीन लाइन है, एक दो तीन, साइड पे भी एक दो तीन, बॉटम में भी एक दो तीन, साइड पे भी एक दो तीन, यानी हर साइड से तीन लाइन है, दरमियान में एक दो तीन और एक दो तीन, और सेम एक इसके लिहाज से क्या होगा, प्रोड्यूस हो, तो हर साइडेड लाइनें बन रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी द, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, दैट इज सेड टू बी द क्रिस्टलेटिस। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक दोबारा पढ़ेंगे, क्रिस्टलेटिस, दिस पॉइंट इज सेड टू बी द क्रिस्टलेटिस पॉइंट, इन पॉइंट को क्रिस्टलेटिस। अब सुने, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, दैट इज अ स्ट्रक्चर, क्या है, क्रिस्टलेटिस। अब ये बना कैसे है, क्या थ्री डिमेंशनल है, दैट इज अ थ्री डिमेंशनल है, क्या अरेंजमेंट है, किस चीज की अरेंजमेंट है, इन कॉर्नर पे क्या मौजूद हो सकते हैं, कॉर्नर पे या तो एटम्स मौजूद होंगे, या फिर क्या मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, या फिर क्या मौजूद होंगे, आइंस क्या होंगे, मौजूद होंगे। जो मैंने डॉट बनाए हैं, डॉट्स, ये जो डॉट बनाए हैं, जितने जहां पे जो जो डॉट बन रहा है, हर डॉट या तो एटम को जहर करता है, या फिर मॉलिक्यूल को, या फिर, मैंने ये नहीं कहा एटम मॉलिक्यूल और आयन, मैंने कहा एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल होंगे, या फिर क्या होंगे, आइंस होंगे, एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, या फिर क्या होंगे, आइंस मौजूद होंगे। तो एटम मॉलिक्यूल और आयन देखे अरेंज है प्रॉपर, यानी ये थ्री डिमेंशनल बॉक्स में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आइंस है इन द क्रिस्टलेटिस, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलेटिस। क्रिस्टलेटिस क्या है, द थ्री डिमेंशनल अरे ऑफ, बुक के अंदर देखे लिखा होगा, द थ्री डिमेंशनल ब्लू लाइंस के अंदर, द थ्री डिमेंशनल अरे ऑफ एटम मॉलिक्यूल आर आइंस, इज इट, ठीक है, यानी थ्री डिमेंशनल अरे ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर आइंस इन अ क्रिस्टल इज सेड टू बी द क्रिस्टलेटिस। देखिए मैंने डिफाइन खुद से नहीं की, यहां पे मैंने अरेंज किया, पहले बनाया उसके बाद ही डिफाइन किया, तो डेफिनेशन अब आप लोग मुझे लिखवाएंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी, शाबाश, साथ साथ बोलेंगे, द थ्री डिमेंशनल, शाबाश बोलेंगे, द थ्री, द डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल आर
आइंस इन अ क्रिस्टल, दिस इज सेट टू बी द क्रिस्टलेटिस। इनको क्या कहेंगे? क्रिस्टलेटिस। अब देखें व्हाट इज द, यानी लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट आर स्पेस लैटिस आर, यानी क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, स्पेस लैटिस भी कहते हैं, आर लैटिस। अब ये है क्या, इन कॉर्नर्स को, इन पॉइंट्स को, दोज पॉइंट एट विच एटम मॉलिक्यूल आर आइन इज प्रेजेंट, जिन पॉइंट पर एटम मॉलिक्यूल या आइन मौजूद होगा उन्हें क्या कहेंगे, उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट आर स्पेस लैटिस आर लैटिस। बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलेटिस। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द पॉइंट्स एट विच एटम्स मॉलिक्यूल आर आइंस आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, दिस इज सेट टू बी द लैटिस पॉइंट, दिस इज सेट टू बी द लैटिस पॉइंट। तो ये चंद एक बातें थी। अब चंद एक बातें क्या थी, एक तो आपने इसके बारे में क्या देखना था कि क्या होगा, ये थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट है, किस चीज की, याद हो जाएगा साथ साथ, थ्री डिमेंशनल क्या है, अरेंजमेंट है किस चीज की, एटम की, मॉलिक्यूल की, या फिर क्या होगा, आइंस की। इट इज अ थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, एटम मॉलिक्यूल और आइंस, के थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आइंस, थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आइन इन अ क्रिस्टल इज सेट टू बी द, इज इट क्लियर। दोबारा देखिए क्या काम ने, थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आइंस इन अ क्रिस्टल इज सेट टू बी द क्रिस्टल लैटिस। और लैटिस पॉइंट क्या होंगे, द पॉइंट आर, यानी क्या होगा, द स्ट्रक्चर आर द पॉइंट एट विच एटम मॉलिक्यूल और आइंस आर अरेंज्ड, दिस पॉइंट आर सेट टू बी द लैटिस पॉइंट। इज इट क्लियर। देन वी आर मूविंग टुवर्ड आवर टॉपिक, दैट इज द यूनिट सेल। What is a unit cell? How we can define a unit cell? Unit cell क्या होता है? हम इसको किस तरह से क्या करते हैं? Define करते हैं। Unit cell क्या होता है? हम इसे किस तरह से क्या करते हैं? Define करते हैं। What is a unit cell? How we can define the unit cell? Unit cell क्या है? किस तरह से इसको define करते हैं? अब क्या होगा? इधर देखिए, इस three dimensional crystal lattice का एक छोटा सा टुकड़ा है ये। इस three dimensional क्रिस्टलेटिस का अगर एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ, लेकिन बाद में रखिएगा, जिस यूनिट सेल के अगर थ्री डिमेंशनल एक टुकड़ा जो लेंगे, पार्ट लेंगे इसका, वो ध्यान में रखिएगा, वो थ्री डिमेंशनल जो हमने पार्ट लिया, इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताता होगा, इस पूरे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी वो अकेला टुकड़ा रखता होगा, यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टलेटिस। क्या कहेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ crystal lattice that describes the entire property of crystal या unit cell, यानी unit cell क्या है actually तौर पर। अब देखें हम इसके structure को बना के explain करते हैं, तो पहले आपने क्या बनाते हैं, डब्बे में डब्बा, इस तरह से आप क्या करते हैं, बनाते हैं, then इसको क्या करते हैं, इनके corners को highlight करते हैं, हाईलाइट करने के बाद आप इन कॉर्नर्स को आपस में जो सामने होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये एक यूनिट सेल बना। अब इस यूनिट सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो पूरे इस क्रिस्टल के अंदर भी वही है, क्यों, ये उसी का टुकड़ा है, ये उसी का टुकड़ा है, सारी प्रॉपर्टी रखता है। तो यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट, हाँ जी लिखवाएंगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice, the smallest part of crystal lattice, we describe the entire properties of crystal lattice or crystal, yani crystal lattice ka wo chota se chota point जो उस पूरे क्रिस्टल्स की तमाम तर प्रॉपर्टीज को क्या करता हो, एक्सप्लेन करे, दैट इज सेट टू बी द यूनिट सेल।
क्या काम ने द पार्ट ऑफ अ क्रिसलेटिस, द पार्ट ऑफ अ क्रिसलेटिस दैट डिस्क्राइब द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल की, यानी इस पूरे थ्री डिमेंशनल जो स्ट्रक्चर लिया गया, इस थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा वो एक टुकड़ा है, लेकिन उस टुकड़े के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है कि वो पूरे इस क्रिसलेटिस को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस यानी छोटे से पार्ट को क्या कहेंगे, यूनिट सेल, द थ्री डिमेंशनल, यानी क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिसलेटिस दैट डिस्क्राइब द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल, दिस इज सेट टू बी द यूनिट सेल। इज इट क्लियर व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा पैराग्राफ सिग्निफिकेंस के बारे में है बुक के अंदर ये, लेकिन हमारे कॉलेज टीचर इसे छुड़वा देते हैं, दूसरे पैराग्राफ को हमेशा छुड़वा देते हैं, आखिरी पैराग्राफ याद करवा लेते हैं। सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ यूनिट सेल, आखिर ये यूनिट सेल की कोई अहमियत तो होगी ना, यानी अगर ये हमने कहा क्रिसलेटिस का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है किसी का क्रिसलेटिस का, तो क्या इस छोटे से पार्ट की कोई अहमियत है या नहीं, यानी छोटे से पार्ट की कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं। तो आपने पहली चीज क्या लिखनी है, इट इज द पार्ट ऑफ क्रिसलेटिस, पार्ट ऑफ क्रिसलेटिस विद फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के, पार्ट ऑफ क्रिसलेटिस है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। अब सुने कौन सी प्रॉपर्टी है उसके अंदर, पहली ये क्या करता है, शेप ऑफ क्रिस्टल को एक्सप्लेन करता है, शेप ऑफ क्रिसलेटिस। अगर देखें इस तरह के छोटे टुकड़े मिल जाएं तो क्रिसलेटिस की शेप बनती है, क्रिस्टलाइटिस क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल है, यानी शेप ऑफ क्रिस्टल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ना सिर्फ ये शेप ऑफ क्रिस्टल को एक्सप्लेन करता है बल्कि क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में और आइंस के बारे में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ आइन। और यह ध्यान में रखिए ना, थर्ड क्या है मेन चीज, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द थ्री डिमेंशनल फॉर्म, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू थ्री डी फॉर्म, थ्री डिमेंशनल फॉर्म के अंदर यह अरेंजमेंट शो करता है। अब देखिए थ्री डिमेंशनल कैसे, दिस इज द, हाँ जी क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जी एक्सिस, ये थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट बताता है। अब यूनिट सेल क्या है, यानी एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि तीनों एक्सिस के अंदर क्या है, यानी मौजूद है। एक एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस एंड द थर्ड वन इज अ जी एक्सिस, कि इसे क्या कहेंगे, जी एक्सिस कहेंगे, दैट इज अ जी एक्सिस, थर्ड वन इज अ जी एक्सिस। इज इट क्लियर, थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट को। चौथा मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, यानी स्पेसिफिक इंटरफेशियल एंगल भी बनते हैं, एक्सप्लेन द इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इट कैन एक्सप्लेन द इंटरफेशियल एंगल, ये इंटरफेशियल एंगल को एक्सप्लेन करता है, और ना सिर्फ इंटरफेशियल एंगल को बल्कि फेजेस को भी, फेजेस आर आल्सो एक्सप्लेन बाय द यूनिट सेल, यानी फेजेस ऑफ थ्री डिमेंशनल, इस थ्री डिमेंशनल क्रिसलेटिस के फेजेस भी, एजेस भी और एंगल भी क्या करता है। अब मैं इसके एंगल, फेजेस और एक्सिस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पहले समझेंगे किस तरह से और कैसे। तो इसकी अहमियत के बारे में देखिए क्या बताता है ये, साथ साथ पढ़ेंगे, इट कैन डिस्क्राइब द शेप ऑफ क्रिस्टलाइटिस, दूसरा क्या करेगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल आर आइंस, बट देयर अरेंजमेंट आर इन अ थ्री डी फॉर्म और थ्री डिमेंशनल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द इंटरफेशियल एंगल, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द, अब व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल, ये पहले पढ़ाया हुआ, इंटरफेशियल एंगल क्या है, व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल, हाँ जी, इसलिए कहते हैं घर जाके पढ़ लेते हैं हमेशा, हाँ जी, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, अगर मैं इसे कहूं ओ,
इस ओ के लंग जितने भी एंगल है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफिशियल एंगल। एंगल क्या होते हैं? इंटरफिशियल एंगल क्या होंगे? यानी द एंगल विच इज फॉर्म द एंगल विच आर फॉर्म एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर जो एंगल बन रहा है, थ्री एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर जो एंगल बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज इंटरफिशियल एंगल। इंटरफिशियल एंगल कि इनको क्या कहेंगे? इंटरफिशियल एंगल कहेंगे। अब बेटा समझेंगे, अब देखिएगा लेंथ चेंज हो सकती है। अब सुने कैसे, मैं अगर बना रहा हूं इस तरह से इंटरफिशियल, समझाने के लिए पहले मेन पॉइंट को समझेंगे। अगर मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है। अब मैं एक और बनाता हूं, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, मेन पॉइंट है समझेंगे, दैट इज अ कंसेप्चुअल वन। एक्स एक्सिस ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस ये क्या होगा, जी एक्सिस। चले एक और भी बना लेते हैं ताकि वेल एक्सप्लेन हो जाए। ये क्या होगा एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ जी एक्सिस। अब सुने, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं एक्स एक्सिस की लेंथ को यहां से यहां तक को क्या कह रहा हूं ए, यहां तक क्या कह रहा हूं बी, यहां तक क्या कह रहा हूं सी, क्लियर। अब मैं इसको क्या कह रहा हूं बी, इसको क्या कह रहा हूं ए, इसको क्या कह रहा हूं सी। अब मैं क्या कह रहा हूं सी ए और बी, यानी इट मीन मैंने क्या चेंज की, फेजेस को चेंज किया मैंने। फेजेस के ए बी सी स्मॉलर क्या है, फेजेस है, यानी फेजेस किसी तरह से भी हो सकते हैं। फेज ए एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है और जी एक्सिस पे भी। फेज रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। क्या कहा मैंने, फेज, चाहे उर्दू में अपने पास बुक के ऊपर लिख लीजिएगा या जिस तरह से भी, ये ध्यान में रखिएगा, फेजेस कैन बी चेंज। फेजेस हमेशा हम चेंज कर सकते हैं, हमेशा चेंज कर सकते हैं, यानी फेजेस कैन बी चेंज। अब ये साथ डायग्राम भी बना लेंगे, साथ ही ये बनी हुई नहीं है, यानी फेज कभी भी चेंज हो सकता है। यानी ए अगर एक्स एक्सिस पे है तो दूसरे लम्हे में भी वाई एक्सिस पे हो, तीसरे लम्हे में भी जी एक्सिस पे हो, यानी क्या होगा ए एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी और जी एक्सिस पे भी, बी एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी और Z एक्सिस पे भी, C एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, Y एक्सिस पे भी हो सकता है, और यानी फेजेस कैन बी चेंज बट द एंगल रिमेन फिक्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, फेजेस चेंज हो सकती हैं बट एंगल क्या रहेंगे, बट एंगल रिमेन फिक्स्ड, एंगल रिमेन फिक्स्ड। कैसे समझेंगे, B और सी के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज ऑलवेज बी द अल्फा, चाहे वो फेजेस जहां मर्जी हो, बी और सी के दरमियान एंगल क्या होगा अल्फा। फिर मैंने आपको एक बात कही, मैंने कहा सी और ए के दरमियान एंगल क्या होगा, सी और ए के दरमियान दैट इज सेड टू बी द बीटा, और क्या हो जाएगा ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा दैट इज सेड टू बी द गामा, said to be the, is it clear? Clear? अब मुझे बताएंगे आप लोग B और C के दरमियान एंगल क्या होगा alpha, C और A के दरमियान beta, शाबाश लिखवाएंगे इधर देखें सारे, और A और B के दरमियान gamma। अब मुझे बताएं alpha कहां पे मौजूद होगा, एंगल रिमेन फिक्स्ड उसी पॉइंट पे बी और सी के दरमियान। तो यहां पे क्या होगा बी और सी के दरमियान अल्फा, जहां पे बी और सी आएगा वहां अल्फा आएगा, यानी एंगल फिक्स होंगे, एक्सिस क्या हो सकते हैं चेंज। अब मुझे बताएं ए और बी के दरमियान कौन सा है गामा, और ए और सी के दरमियान बीटा,
क्लियर। अब नेक्स्ट आप लोग मुझे बताएंगे, अब मैं नहीं बताने वाला, मुझे बताएंगे इसमें कौन सा एंगल आएगा। दिस वन इज अ बीटा, शाबाश। दिस वन इज अ गैमा, शाबाश। यानी एंगल की पोजीशन हमेशा बी और सी पॉइंट पे होगी, एंगल हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, लेकिन फेज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फेज जितना मर्जी चेंज हो जाए उसके मुताबिक अल्फा, बीटा और गैमा होते हैं। इज इट क्लियर। अब याद करें तो मैंने 6 पॉइंट पढ़े हैं, कौन कौन से, एक अल्फा, एक बीटा और एक गैमा, ये क्या है एंगल। शाबाश। एक पढ़ा ए, बी और सी, क्या है ये फेसेस। अब देखिए तीन पॉइंट है एंगल, तीन पॉइंट है फेजेस, टोटल कितने पॉइंट है, 6 एलिमेंट है। इन पॉइंट्स को केमिस्ट्री में बोलते हैं एलिमेंट, यानी 3 एंगल अल्फा, बीटा, गैमा, 3 फेजेस ए, बी और सी, यानी 3 फेजेस, 3 एंगल टोटल मिक्स, यानी मिलके ये क्या बना रहे हैं, 6 एलिमेंट बना रहे हैं। इन 6 एलिमेंट को क्या कहेंगे, यूनिट डिमेंशन कहेंगे, दैट इज सेड टू बी द यूनिट डिमेंशन, और इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, इसे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहा जाता है। इज इट क्लियर। अब मैंने क्या कहा, दोबारा मुझे आप लोग रिवाइज करके बताएंगे, देयर आर द 6 पॉइंट, यानी क्या होगा, 3 एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा, 3 फेजेस ए, बी एंड सी, टोटल मिलके कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इन 6 एलिमेंट को क्या कह रहे हैं, यूनिट डिमेंशन आर